बढ़ते हैं और अब बात गोपालगढ़ कांड की। 14 सितंबर 2011 की शाम गोपालगढ़ के हिंदुओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। कांग्रेस के शासन में गोपालगढ़ में सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ गया था और उस वक्त हिंदुओं के रक्षक के तौर पर भजनलाल शर्मा सामने आए थे। क्या हुआ था और कैसे तत्कालीन बीजेपी जिलाध्यक्ष भजनलाल शर्मा हिंदुओं के रक्षक बने थे, ये रिपोर्ट आप देखिए। 14 सितंबर 2011 की वो शाम जिसे भरतपुर जिले के गोपालगढ़ का कोई भी निवासी भूल नहीं सकता, वो खौफनाक मंजर कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की नीति का ही नतीजा था कि गोपालगढ़ सांप्रदायिक तनाव की भेंट चढ़ गया। भय और तनाव के बीच गोपालगढ़ की अल्पसंख्यक हिंदू डरे और सहमे थे। उस वक्त हिंदुओं के रक्षक बनकर भरतपुर के तत्कालीन बीजेपी जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा उभरे थे। हिंदू पक्ष के साथ हो रहे अन्याय और हमलों को लेकर जब जानकारी भजनलाल शर्मा को मिली तो जवाहर सिंह पेड़म, नगर विधायक अनीता सिंह के अलावा अन्य एक दर्जन से भी ज्यादा बीजेपी नेताओं के साथ गोपालगढ़ पहुंचे। पहले तो गोपालगढ़ जाने से भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेताओं को रोका गया, लेकिन जब उन्होंने रोकने का विरोध किया तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान बीजेपी नेताओं को जगह जगह रोक कर गाड़ियों पर पथराव किया गया। लिहाजा भजनलाल शर्मा ने सकुशल गोपालगढ़ पहुंचने के बाद अधिकारियों से बात की। मौके पर पहुंचे तत्कालीन बीजेपी जिला अध्यक्ष और वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिला प्रशासन के साथ वार्ता हुई। राजीनामे पर सहमति के बाद भी अफवाह फैल गई, जिसके कारण 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में माली समाज के एक युवक की आंख पर गोली लगी तो बीजेपी के नेता भजनलाल शर्मा, जवाहर सिंह पेड़म ने प्रशासन के सामने विरोध जताया, लेकिन कांग्रेस नेता जिला कलेक्टर और एसपी पर दबाव बनाते रहे। काफी कोशिशों के बाद प्रशासन ने भजनलाल शर्मा की बात को माना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगाइयों पर फायरिंग के आदेश दिए। फायरिंग में 10 लोग मारे गए और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की करीब 3,000 आबादी को बीजेपी नेताओं के सहयोग से बचाया जा सका। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दंगाइयों के निशाने पर आ गए। ऐसे में पुलिस सुरक्षा में सभी बीजेपी नेताओं को भरतपुर पहुंचाया गया। दरअसल 13 सितंबर 2011 को मेवात के ही चुरहरा थाने में एक आरोपी ने गर्दन काट ली थी। इसके बाद गोपालगढ़ में विभिन्न समुदायों के दो युवकों के बीच झगड़े के बाद लोग इकट्ठा हुए। 14 सितंबर 2011 को 100 लोगों का जाब्ता बुला लिया गया। गोपालगढ़ में मस्जिद पर एक समुदाय के लोग आते रहे। हथियार, पत्थर, केरोसिन और पेट्रोल इकट्ठा कर दिया गया, जिसका खुलासा सीबीआई और पुलिस की जांच रिपोर्ट में भी हुआ था। दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर बातचीत की कोशिश की गई। इसमें हिंदू पक्ष से तत्कालीन बीजेपी जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा, नगर विधायक अनीता सिंह गुर्जर, जवाहर सिंह पेड़म और दूसरे पक्ष से कामा की विधायक रही जाहिदा खान समेत 20-22 लोग शामिल थे। 14 सितंबर 2011 की शाम गोपालगढ़ के हिंदुओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तत्कालीन भरतपुर जिला अध्यक्ष भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेता हिंदुओं के लिए मसीहा बनकर उभरे थे। शायद यही वजह थी कि हिंदू पक्ष को सुरक्षा दिलाने की सफलता के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार में केस भी दर्ज किया गया। भजनलाल शर्मा के खिलाफ दंगा फैलाने की साजिश रचने का केस दर्ज किया गया। अब इसे कांग्रेस सरकार की तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा कहें या फिर वोट बैंक की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट न्यूज।